एक बच्चों को और जो कंफ्यूजन रहती है वो ये कि जैसे ऐसे पेपर पास आ रहा है नीट का, तो हम रिवीजन में ध्यान दें कि क्रैश कोर्स ले लें। तो देखो सिंपल लॉजिक है, तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या तुमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर तुमने सही में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास रिवीजन के लिए समय है, तो तुम रिवीजन करो बजाय क्रैश कोर्स लेने के। क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं, क्रैश कोर्स लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें तीन चार एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, और एक्स्ट्रा चीजें हमेशा यूजफुल नहीं होती नीट के लिए। अब एनटीए नीट बना रहे हैं तो तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, और अगर तुम खुद से रिविजन करोगे तो तुम अपने कस्टमाइजेबल नोट से पढ़ पाओगे। क्रैश कोर्स हमेशा समझदार ही नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और तुम्हें अपने नोट्स से जरूरत ज्यादा चीजों की है, मतलब अगर तुम्हारे नोट्स में 10% ही है सिलेबस का और तुम्हें लगता है कि तुम्हें और कवर करना है, तब क्रैश कोर्स लेना चाहिए तुम्हें। क्रैश कोर्स के साथ ये बात जरूर याद रखना कि वो बहुत बार डेविएट होने लगता है, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम नीट से ज्यादा ऊपर के लेवल का पढ़ लें, क्योंकि फिर वो यूजलेस हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट करेगा। फाइनली क्रैश कोर्स और रिविजन के साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, तो उसके लिए भी समय निकालना है। तो ये बात याद रखो कि अगर तुम रिवीजन वाला मेथड फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें टाइम टेबल को ऐसे बांटना है कि तुम बायोलॉजी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि 360 मार्क्स की बायोलॉजी है। उसके बाद तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी समय निकालना है, और फाइनली ये याद रखना है कि पूरे रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो अप करने के बाद तुम्हें एक रीडिंग भी लगानी है तुम्हारे खुद के नोट्स की, क्या पता कुछ मिस हो गया हो। और अगर तुम क्रैश कोर्स वाला मेथड यूज कर रहे हो तो पहली बात तो ये है, क्रैश कोर्स में हर चीज रटनी नहीं है। अगर तुम्हें क्रैश कोर्स भी रटना पड़ रहा है तो मतलब तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं था, तो फिर तो तुम्हें वो मेथड चूज करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज ये याद रखनी है, क्रैश कोर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के वेरिएशन बहुत ज्यादा लोग पुट कर देते हैं उसमें, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। फाइनली तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें क्रैश कोर्स लेना है कि रिवीजन करना है। और एक और अच्छा पॉइंट ये है कि क्रैश कोर्स एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं उन्हें सही ना लगे क्रैश कोर्स अभी ले ले हम एक हफ्ते के लिए और इतने पैसे खर्च कर दें, तो तुम रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, नेट में आराम से क्वेश्चंस मिल जाते हैं।